लर्नर्स वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल प्रकाश यूटेक। तो गाइज यार यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर छात्रों के लिए एक अपडेट है, उस चीज़ को बताने वाला हूँ। दिन के सारे अपडेट्स को तेज़ी से कवर करूँगा, लेकिन उससे पहले एक आप काम कहना चाहूँगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी चीज़ों को समझना आपके लिए आसान होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज यार इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे चीज़ों को देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में अब मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं। जी हाँ गाइज, अभी तक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए छात्रों को देनी होती थी प्रवेश परीक्षा। जी हाँ गाइज, हम बात कर रहे हैं कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में, अब दाखिला मेरिट के आधार पर नहीं लिया जाएगा। तो गाइज मेरिट के आधार पर ही दाखिला लिया जाएगा, पहले दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर लिया जाता था। तो गाइज जो भी छात्र CSJMU में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि भाई आपका मेरिट अच्छा है, आपके रिजल्ट अच्छे हैं, तो आपका जो एडमिशन वो हो जाएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ गाइस बात करते हैं विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में बीते कुछ सालों से सीटों के सापेक्ष कम आवेदन आ रहे थे, इसको देखते हुए कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने सीधे मेरिट के आधार पर दाखिला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि MET की में प्रवेश परीक्षा जो है वो कराई गई, यदि किसी कोर्स में सीटों से सापेक्ष ज़्यादा आवेदन आए हैं तो फिर प्रवेश परीक्षा कराई जा सकती है। यहाँ पे देखो चीज़ों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कला और विज्ञान संकाय में चीज़ों को यहाँ पे देखिए रेड वाला कर देता हूँ। आप इन चीज़ों का प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरिट के इतर दाखिला दिया तो कॉलेज की मान्यता रद्द, कॉलेजों को नई शिक्षा नीति की जानकारी देगा विश्वविद्यालय। जहाँ का इस विश्वविद्यालय स्वपोषित जो भी कॉलेज हैं उनके प्रबंधकों को नई शिक्षा नीति का जो भी अपडेट आया है 2022 से, जो सी चीज़ें लागू होंगी उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देगा, उनको जानकारी देगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ से एक और अपडेट की कि गाइस विदेशी छात्रों का हुआ दीक्षांत समारोह, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और फिर ये आज सुबह वाले वीडियो में बताया था कि अब अगस्त से शुरू होगी ऑनलाइन कक्षाएं, जो भी बच्चे सुबह वीडियोस नहीं देखते, कई सारे मेरे ऑडियंस वेट करते हैं सामने वाले वीडियो का यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर एक्चुअली बात करते हैं। अगले राज्य विश्वविद्यालय 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में होगी शुरुआत, तो इसको आप प्लीज़ आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी चीज़ों को बताऊँगा तो जिन छात्रों को ज़रूरत होगा वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे, बाकी का अपना अवॉइड करेंगे। अब यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की तिथि 5 जुलाई तक बढ़ी, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप AKTU के छात्र हैं, आपको लगता है कि कैसे MCQ के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, उसको लेकर 2 वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाए। आई बटन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का भी चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्रकाश यूटेक यही चैनल का अपने यही चैनल का नाम है, तो आप लोग वहाँ भी जाइए, वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन आप लोगों को किया जाएगा और आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो जाते जाते कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ फटाफट से, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ऐसे ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।